Hello dear students, how are you? Hope so everyone is fine. So today we are going to discuss about the subtraction of the vectors. Previous lecture में हम लोगों ने क्या discuss किया था? Addition of two vectors या more than two vectors. इसके अलावा हम लोगों ने discuss किया था कि parallelogram law क्या होता है और triangle law of vectors क्या होता है, ठीक है? तो उन दोनों पर हम लोगों ने discuss किया था, angle calculate किया था means direction as well as resultant vector calculate किया था जिसको हम लोग magnitude से represent करते हैं. तो क्या चीज calculate किया था हम लोगों ने? Resultant और direction means magnitude and direction. तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा? देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोगों ने कहा था कि कोई ए वेक्टर है, और कोई बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर वाले के टेल को मिला देना है और ये क्या मिल जाएगा हमारे लिए? रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा. ओके, ये था हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे लिए क्या निकल गया था? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. बट विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ हम लोगों ने सॉल्व किया था कि जो मैग्नीट्यूड मिलेगा आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. ओके, ठीक. तो ये हम लोगों को रिजल्टेंट मिल गया था. बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन की. तो बेटा सब्सट्रैक्शन में भी सेम केस होगा. मान लीजिए आपके पास कोई दिया हुआ है एक ए वेक्टर. क्या दिया हुआ है? एक ए वेक्टर है. दूसरा दिया हुआ है बी वेक्टर. कोई दिया हुआ है बी वेक्टर. तो देखो अब यहां पर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है. तो सब्सट्रैक्ट करना है तो ऐड नहीं करना, तो हम लोग क्या करेंगे? बी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे. ये हो गया बी वेक्टर, इसका बेटा डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने. तो डायरेक्शन चेंज करके ये क्या मिल गया? माइनस बी वेक्टर. ठीक. अब जैसे ही माइनस बी वेक्टर मिला, हम लोग क्या करेंगे? ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को फिर से जोड़ देंगे. तो ये लोग फिर से वही केस, इसके बिल्कुल कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना है. तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर. अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का हमारे लिए हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे लिए? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस, अब देखो ये क्या है? माइनस बी वेक्टर. क्या है? माइनस बी वेक्टर. हेंस रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. ये हमारे लिए क्या दे रहा है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. बट आप हमसे कहें कि सर एक काम करना है मुझे, कि मुझे जो डायरेक्शन है बी का वो नहीं चेंज करना है. जैसे ए दिया हुआ है, जैसे बी दिया हुआ है, वैसे ही मुझे रिजल्टेंट निकालना है. फिर कोई तरीका बताइए कि हम लोग क्या कर पाए? सब्सट्रैक्ट कर पाए. ठीक. तो ए और बी के बिना डायरेक्शन चेंज किए हम लोग क्या करते हैं? हम सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है. उसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं. एडिशन में क्या करते थे बेटा? एडिशन में आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एडिशन करने के लिए हम लोग किसी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देते हैं. ठीक है, देखो ये वाला जो कंडीशन है ये काइंड ऑफ सब्सट्रैक्शन है. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस बी वेक्टर है. अब यहां पर जो बात करते हैं हम लोग दूसरा तरीका, यहां पर कहा ए वेक्टर ये हो गया, ठीक, बी वेक्टर ये हो गया. तो सब्सट्रैक्शन करने का दूसरा तरीका क्या है बेटा? सब्सट्रैक्ट करने का दूसरा सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप जो है ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए. अभी तक क्या कर रहे थे? इसके हेड को इसके टेल से जोड़ रहे थे. अब क्या करेंगे हम लोग? मैंने कहा सिंपली यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, बस इस वाले को क्या करना है? टेल से जोड़ देना. तो अभी हम लोगों ने क्या किया? टेल से जोड़ दिया है. ठीक है, तो ये हो गया बेटा ए वेक्टर. बी वेक्टर के डायरेक्शन को मैंने चेंज नहीं किया है, उसके पैरेलली शिफ्ट कर दिया है. तो ए वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के टेल से जोड़ दिया है. तो इस तरह जब करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा?
रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब यहां वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर कहलाएगा, ठीक। अब क्या याद रखना है बेटा कि जिस वाले हेड से रिजल्टेंट का हेड मिलेगा वो वाला पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक। तो अब क्या हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, कौन सा पॉजिटिव कहलाएगा, जिस वाले रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जिस वेक्टर के हेड से मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, नेगेटिव कौन सा हो गया, ये हो गया, माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं, इसको मान लिया बेटा फिगर ए, इसको मान लिया फिगर बी। अब क्या करता हूं मैं, रिजल्टेंट भाई चाहूं तो मैं यहां से यहां लाऊं और चाहूं तो मैं यहां से यहां तक भी तो ले जा सकता हूं, ठीक। तो मैंने क्या काम किया, दूसरा फिर से वैसा ही रहने दिया, ये लो मैंने बना दिया ए वेक्टर, क्या बना दिया ए वेक्टर, दूसरा ये मैंने क्या बना दिया बी वेक्टर। अब की बार मैंने क्या किया है, रिजल्टेंट को यहां से यहां तक ले गया, क्या किया मैंने, रिजल्टेंट को यहां से यहां तक ले गया। तो जब बेटा रिजल्टेंट को यहां से यहां तक ले गया तो इस बार हम लोग रिजल्टेंट के नाम को चेंज कर देते हैं, मैंने कहा ये मान लेते हैं आर डैश वेक्टर, क्या हो जाएगा आर डैश वेक्टर। अब फिर से मैंने क्या कहा, जो दोनों हेड मिल रहे हैं वो वाला पॉजिटिव कहलाएगा, तो बी वेक्टर का हेड रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से मिल रहा है इसलिए बी वेक्टर क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। तो ये हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये कहलाया माइनस ए वेक्टर, तो ये हमारे लिए कहलाएगा फिगर सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो पहले वाले में क्या किया है बेटा, पहले वाले में बी वाले के डायरेक्शन को पलट दिया है और फिर जोड़ दिया है, जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो यहां से गया हेड और पहले वाले के हेड से टेल को मिला दिया, ड्यू टू दैट ये एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर सप्लाई कर रहा है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, टेल को टेल से मिलाएंगे तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सब्सट्रैक्शन लॉ, मतलब इसमें हम लोग ऐड नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, जब कभी भी आपका हेड वेक्टर जिस वाले हेड वेक्टर से मिलेगा, यानी रिजल्टेंट का हेड वेक्टर जिस हेड वेक्टर से मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। देखो ए मिला ए से तो ए यहां पर पॉजिटिव हो गया, बेटा बी मिला रिजल्टेंट वेक्टर से तो यहां पर बी पॉजिटिव हो गया। नाउ फ्रॉम फिगर बी एंड सी, फ्रॉम फिगर बी एंड फिगर सी हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, देखो मैं आर डैश वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, आर डैश वेक्टर बराबर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देयरफॉर फ्रॉम फिगर बी एंड सी वी कैन से दैट आर डैश वेक्टर बराबर माइनस आर वेक्टर, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जस्ट अपोजिट है और आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन बेटा अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, ड्यू टू दैट रिजल्टेंट हमको क्या मिल गया, जस्ट अपोजिट मिल गया, नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, तो इतना लिख लो जल्दी से, फिर थोड़ा बहुत और रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशन में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप टू डायमेंशन में बात कर सकते हैं जिसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, या आप थ्री डायमेंशन में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले टू डायमेंशन में डिस्कस करते हैं फिर थ्री डायमेंशन में डिस्कस करते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर मैंने क्या काम किया, एक कोई प्लेन ले लिया बेटा, मैंने क्या काम किया एक कोई प्लेन ले लिया और मैंने कहा कि इस प्लेन में दो वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटीज को मैंने कहा ax है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जो है वो क्या है ay है। तो यहां पर हमारे लिए एक x कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, दूसरा y कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखना कि जब हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं और वो यूनिट वेक्टर होता है i वेक्टर कॉमा जे वेक्टर एंड के वेक्टर।
ये जो i है ये x कंपोनेंट को यानी x डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये जो j वेक्टर है ये y डायरेक्शन को डिनोट करता है, और ये जो k वेक्टर है बेटा यानी कि k यूनिट वेक्टर जो है वो किसको डिनोट करता है, z डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो हम लोग डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं, i, j और k। ठीक, तो अब देखो यहां पर जो x कंपोनेंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, ax को और y को। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं कि ax i, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। लेकिन ये हटा के ऐसे लिखते हैं जब आप, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो गया। ठीक, चलो खैर, तो ये ax जो है x कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, ay जो है y कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन रिजल्टेंट आपको कहीं मिलेगा। तो हमने कहा ax से किसी थीटा डायरेक्शन पर हम लोगों को क्या मिल गया बेटा, रिजल्टेंट मिल गया। ठीक, कहीं यहां पर रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ax और ay का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा ये a हो गया, क्या हो गया, a हो गया, मेकिंग थीटा एंगल। अब आपको चाहिए बेटा a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जब आपको चाहिए तो आपने कहा कि सर a वेक्टर बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, a x वेक्टर प्लस a y वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a x वेक्टर प्लस a y वेक्टर हो जाएगा। अब मैंने क्या काम किया, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी r से बेस पर, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी ए वाई पर। ठीक, तो अब यहां पर दो लाइन आपको ड्रॉ हो गई। अब यहां पर देखो अगर तो थीटा है, क्या है, थीटा है, ए एक्स है और ए वाई है। क्या है, थीटा है, ए एक्स है और ए वाई है। तो हम लोग ए एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। ax इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर देखो, ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ड्यू टू दैट cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ड्यू टू दैट ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ay बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली ay बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, a sin थीटा। ay बराबर देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ay बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, तो ये हो जाएगा ए वाई बराबर ए साइन थीटा। अब ये मान लेते हैं ए वन और ये मान लेते हैं टू, इन दोनों को बेटा ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर मतलब लेफ्ट वाले को बेटा लेफ्ट में जोड़ देते हैं, राइट वाले को राइट में जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, वन हो गया। हेंस ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देयरफॉर ए बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए y square. This is the resolution of two vectors. ठीक है? ये a जो है बेटा denote कर रहा है सिर्फ और सिर्फ magnitude को, direction को नहीं denote कर रहा है। ठीक है? तो direction को denote करने के लिए देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पर समझ जाना। ठीक है? मैंने क्या काम किया है? Equation one को square किया है, equation two को square किया है, और फिर उसके बाद जोड़ दिया है। तो left को left में जोड़ा, right को right में जोड़ेंगे। ठीक है? अब क्या काम करते हैं बेटा? Equation टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन वन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड टू बाई
वन। इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा पर कॉस थीटा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा पर कॉस थीटा मींस टैन थीटा, ये क्या मिल जाएगा, ए बाई अपॉन ए एक्स, ए बाई अपॉन ए एक्स, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टैन इनवर्स ए बाई अपॉन ए एक्स। दिस वन इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ टू रिजल्ट एंगल वेक्टर। तो यहां पर बेटा ये हमारे लिए क्या हो गया, ये रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है जो रिजल्ट एंगल है, और ये हमारे लिए क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये तो केस हो गया जब आप टू डायमेंशन की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला कंपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है, आई को, ये वाला कंपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है बेटा, जे को, ठीक है। ए जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, आई और जे दोनों को डिनोट कर रहा है, ओके ठीक। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्या करें, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन बात कर लेते हैं, ठीक है, इतना जल्दी से लिख लो। तो जब हम लोग थ्री डायमेंशन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस, मैं क्यूब नहीं बनाने वाला हूं, सिर्फ तीन डायमेंशन को डिनोट कर दूंगा। तो यहां पर जब हम लोग तीन डायमेंशन की बात करेंगे मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आई जे एंड के यूनिट वेक्टर। तो मैंने बस बहुत आसान सा काम किया बेटा, मैंने कहा ये क्या है, एक्स डायरेक्शन है, ए एक्स को डिनोट कर रहा है जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, आई कंपोनेंट हो जाएगा। ये क्या है मेरे लिए, ए वाई है जो किसको डिनोट कर रहा है, जे कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा, ए जेड हो जाएगा जो किसको डिनोट कर रहा है, के कंपोनेंट को डिनोट कर रहा है, के यूनिट वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो इस बार मैंने क्या किया, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। तो थ्री डायमेंशन में मैंने ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीनों को ले लिया है। तो जब मैंने तीनों को ले लिया तो यहां पर क्या करेंगे, मैंने कहा कहीं यहां पर जाकर क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा, यानी ए मिल जाएगा। ये क्या है, रिजल्टेंट है। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही काम बेटा, आपने कहा आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, ठीक है, या जिसको आप कह लीजिए ए वेक्टर बराबर हो जाएगा। हेंस ए बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन थ्री डायमेंशन। ये किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, किसके। अब डायरेक्शन बेटा जब आपको निकालना होगा तो डायरेक्शन ऑफ किसी दो कंपोनेंट के अलावा निकाल सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड के अलावा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अलावा आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स किसके फॉर्म में, इन 2D और इन 3D। 2D का मतलब प्लेन, ठीक है, जिसको आप रेक्टेंगुलर प्लेन भी कह सकते हैं। थ्री डायमेंशन यानी एक्स वाई और जेड के तीनों के कंपोनेंट की बात कर रहे थे। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे हमारे लिए ए एक्स वेक्टर की वैल्यू जो है, ए एक्स वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर। इन द सेम वे ए वाई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी ए वाई जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, और ए जेड वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए जेड के वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो कभी बार आपको इस तरह ना लिखना हो तो ये यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ ए एक्स वेक्टर लिख दीजिए, ये क्या लिख दीजिए, ए जेड वेक्टर लिख दीजिए, और ये क्या लिख दीजिए, ए वाई वेक्टर लिख दीजिए, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ए वेक्टर, ठीक। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, थ्री डायमेंशन के रेजोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। अब बेटा बात कर लेते हैं हम लोग कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, ओके, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर को समझने के लिए थ्री डायमेंशन क्वांटिटी बनी रहने दीजिए आप, ठीक। तो अब आपको पता चल गया ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ए एक्स वेक्टर
प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, या फिर ए वेक्टर बराबर हमारे लिए क्या हो गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ये जो टैप टाइप बना हुआ है ये क्या डिनोट करता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है बेटा, जब आप कभी भी कोई भी ऐसा क्वांटिटी हो जो क्या डिनोट करे, यूनिटी को डिनोट करे, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब यूनिट वेक्टर को डिनोट जो करते हैं इट इज डिनोटेड बाई कैप, मीन्स ए है तो ए के ऊपर हम लोगों ने कैप लगा दिया, दिस इज डिनोटेड बाई यूनिट वेक्टर, दिस वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ये बी लिखा, बी के ऊपर कैप लगा दिया, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। ये मैंने लिखा कोई और दूसरी क्वांटिटी ए बी, मान लो आर लिखा, आर के ऊपर कैप लगा दिया, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मगर ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को डिनोट करता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर, जो भी है ए वेक्टर अगर है तो ए वेक्टर का डायरेक्शन डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का ही जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का ही जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अभी और आगे समझ लेते हैं। यहां पर बेटा ए वेक्टर और ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अब देखो ए बराबर मेरे लिए कितना हो जाएगा वो अलग चीज है, और यहां पर ये वैल्यू ए बराबर मैंने क्या कहा, ए बराबर मैंने कहा कि मिल जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मीन्स इन इन कंपोनेंट को आप क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब देख लेते हैं हम लोग यहां पर यूनिट वेक्टर में क्या करना है, ए वेक्टर क्या है बेटा, ये वैल्यू हो गई, ए क्या हो गया, ये हो गया, ए वेक्टर डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है और सिर्फ ए जो है मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ। इसके अलावा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, ठीक है, यानी कि वहां पर सारे राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सपोज आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर बराबर है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर, क्या है 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5 वेक्टर 5k वेक्टर, देन व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस क्वांटिटी। तो मैंने क्या कहा, ए यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेटा ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर, तो मैंने इसको ऐसे उठा के एज इट इज लिख दिया, प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करेंगे डिवाइडेड बाई, हम लोग को यहां पर क्या करना है बेटा, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस क्या करना है ए वाई, ये क्या हो गया ए एक्स हो गया, ये क्या हो गया ए वाई हो गया, ये क्या हो गया ए जेड हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, देयरफोर ये कितना हो गया 25, ये हो गया 16 और ये हो गया 9, तो 16 प्लस 9 25 और ये हो गया 25 यानी कि 50 हो गया। ठीक है, तो मेरे लिए हो जाएगा ये बेटा क्या हो जाएगा, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50। ठीक है, अंडर रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रूट 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया यूनिट वेक्टर। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट वेक्टर पर कर लेते हैं। यहां पर बेटा क्या मान लेते हैं कि कोई निगेटिव क्वांटिटी होगी, तो निगेटिव क्वांटिटी में हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज आपको क्या दिया हुआ है बेटा, यहां पर दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है फिर से 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर, बट इस बार दिया हुआ है माइनस 5k वेक्टर, क्या दिया हुआ है माइनस 5k वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि ये x कंपोनेंट और ए y कंपोनेंट जो है पॉजिटिव है, ये जो z कंपोनेंट है वो क्या है नेगेटिव है। ठीक, फिर से क्या करेंगे, a यूनिट वेक्टर, पहले तो बेटा a वेक्टर लिख दो एज इट इज, 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, अंडर रूट आपको लगाना है
अब देखो मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वायर तो कंपोनेंट, जब कभी भी आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो आपको क्या लिखना है, सिर्फ प्लस लिखना है। ड्यू टू दैट बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, माइनस 5 का स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ा, माइनस 5 क्या हो जाएगा अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फिर से 3i प्लस 4j माइनस 5k डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, तो फिर से वही मिल जाएगा 5√2। तो ये हो गया a यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द a वेक्टर या सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी जो होगी a वेक्टर बराबर यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कभी आपसे कोई पूछ ले पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर भी बेटा रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट क्या है पोजीशन वेक्टर, एक समझ लो ऐसे छोटा सा, ठीक है, ये बेटा r1 वेक्टर मान ले कोई और ये मान लो r2 वेक्टर, ठीक, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या तो यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट ले लो या तो यहाँ से यहाँ ले लो। अब देखो मैंने जिसको हेड इससे मिलाया है, ये हेड और ये हेड, तो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, पोजीशन को हम लोग r से डिनोट करते हैं। और r वेक्टर जो होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, r वेक्टर बराबर rxi प्लस ryj प्लस rzk। अल्टीमेटली अब जो भी क्वांटिटी होगी पोजीशन जो होगा x और y और z के कंपोनेंट में लिखा जाएगा, और वही किसके फॉर्म में लिख दिया जाता है, ij और k के फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अब इसके बाद जो डिस्कस करने वाले हैं कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये सब देख लो, ठीक।